कोई शख्स है, कोई साहब है, वो कहता है कि लड़काना में वो जीता है, मैं नहीं जीता हूं, और मैंने धांधली करके अपना शिकस्त को जीत में तब्दील किया है। अब कोई उस साहब से पूछे कि कौन सा पोलिंग स्टेशन पे आपका शिकायत है। इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इन राइटिंग अपने शिकायत भेजे। कोई और सियासी जमात जो हमारे मुकाबला कर रहे थे उनका कोई शिकायत नहीं था, इन्होंने इलेक्शन डे पे शिकायत नहीं की, इलेक्शन मुकम्मल होने पे शिकायत नहीं की। 3-4 दिन बाद इनको याद आता है कि धांधली हुआ है, ये किस किस्म का मजाक है। जिस साहब का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका वालिद साहब को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी, मैंने अब दो दफा शिकस्त दिलवाए हैं, लाख से ज्यादा लीड है, ये किस किस्म का मजाक है। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं, अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा ये पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब। मैं तो आपके इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मगर हकायक ये है कि आपको हमने अब 2-3 बार शिकस्त दिलवाया है। इससे पहले आपका वालिद को, मेरा वालिद और वालदा शिकस्त दिलवाते थे। आप बताएं एक इलेक्शन का नाम लो जो सूबा सिंध में ये पीर जो है, एक इलेक्शन का नाम लो जो ये जीते हैं। 2002 से शुरू करते हैं, 2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, मुशर्रफ का दौर था, आमर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते। फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018, किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया। 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाय इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त, और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45, आप साबित करते हो तो आओ साबित करो, मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना,
तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। ये क्या असल में इनके दिमाग ये बड़ा बड़ा जलसे देख के समझते हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं? कोई उनको समझाए कि इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना और जलसा करवाने में बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन जलसे में सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं, वो मदरसे के बच्चे देख के वो समझते हैं कि वो पूरा सिंध को फतह कर देंगे, वो पूरा पाकिस्तान को फतह कर देंगे। इलेक्शन डे जब आता है उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पीर साहब है, जो नस्लों से हमें इलेक्शंस हार रहे हैं, वो भी कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदे निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वो ही बात कि ये बात तो वो भूल जाते हैं, कल भी अगर पीर साहब उस जलसा में ना पीर जो ना मीर जो का नारा लगा देते हैं, लगाता जरा, तो वो सिर्फ तीर जो वोट बेनजीर जो का जवाब उनको मिलता। अब ये कहते हैं कि उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। अब पता नहीं उनको किसने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने मुझे बताया कि पीर साहब की जमात से इत्तेहाद करो। पीर साहब का अपना भाई सदरुद्दीन शाह साहब ने मुझे कहा, खान साहब वजीर आजम था, मैं किसी के घर गया था उनका इयादत करना, वहां ये पीर साहब का भाई मौजूद था और वो कहता है मुझे कि आप, हम तो अभी आपके खिलाफ हो, एंड में आपके साथ हो जाएंगे। ये क्या मतलब एंड में आपके साथ? इसका मतलब ये था कि इलेक्शन से पहले मुला जो है वो हर डिवीजन में एक सीट का मुतालबा कर रहा था और पीर साहब जो है वो 10 सीटें का मुतालबा कर रहा था। अब मेरे जियाले जीत चुके हैं, मैं कहां से ढूंढ के ये सीट इनको दिलवा दूं? YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।